हेलो हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। इसे भी हम खत्म कर लेते हैं और उसके बाद सेकंड चैप्टर की हम बेसिक जो हमें कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी उनको हम करेंगे। चलिए बिना कोई टाइम खराब किए हम देखते हैं क्या है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू द माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एलिवेटर, जैसे आप लोगों ने किसी भी मॉल के अंदर या किसी भी मूवी के अंदर देखा होगा कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए या तो हम लिफ्ट का यूज करते हैं या एक वो सीढ़ी की तरह आती है, वो नीचे और ऊपर की तरफ जाती है। ये इसके अंदर किस एलिवेटर की बात हो रही है जो वो नीचे आता है, वो सीढ़ियां सी बनी होती है और ऐसे करते करते नीचे आती रहती है। अब वो एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो करती है 6 मीटर। अब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो हम उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस साइन लगाएंगे। अगर वो नीचे आती है तो माइनस, अगर ऊपर जाएगी तो प्लस। सिर्फ ये, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, वो एलिवेटर स्टार्ट कहां से हुई, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर ये हमारा ग्राउंड है तो इससे 10 मीटर ऊपर से वो स्टार्ट होगा और ऐसे नीचे की तरफ आएगी तो साइन लगाएंगे माइनस, क्यों, उसकी उसकी हम डायरेक्शन को शो करने के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब ये डिस्टेंस आ गया -350 मीटर और डिस्टेंस हमें पता है कभी नेगेटिव नहीं होता, बट यहां तो नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव नहीं है, जो ये माइनस का साइन लगाया किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डायरेक्शन कैसी है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो बोलता है कि 350 मीटर ऊपर से नीचे जाने के लिए वो कितना डिस्टेंस, सॉरी 350 मीटर को ग्राउंड लेवल से नीचे जाने के लिए कितना टाइम लेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों उसकी इनिशियल हाइट कितनी है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर ये हमारा ग्राउंड है, इसको हम जीरो लेवल मान के चलते हैं, इससे ऊपर है कितना, 10 मीटर, तो हमने क्या लगा दिया, प्लस 10। ये प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अबव द ग्राउंड। और फाइनल डेप्थ ऑफ एलिवेटर, वो तो हमारी इस ग्राउंड लेवल से ऊपर है और फाइनल कहां जाना है, इसके नीचे जाना है, तो नीचे के लिए क्या आएगा, माइनस साइन लगाएंगे हम, तो हमने -350 मीटर लिखा। माइनस साइन किसके लिए है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसे, पहले तो वो इस ग्राउंड लेवल से ऊपर है 10 मीटर और इसके नीचे जाएगी वो 350 मीटर, तो टोटल कितना बन गया हमारे पास, 360 को एड अप करेंगे और ऊपर से नीचे के की तरफ आया वो, तो साइन क्या होगा, साइन माइनस का होगा। तो बच्चों ये 360 इसलिए आया, टोटल के लिए आप लोग उसको प्लस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इस साइन को ध्यान में रखते हुए। ये 10 हमारा प्लस का था, ऊपर था ये हमारे ग्राउंड लेवल से, बट वो नीचे की तरफ ही आएगा, तो इसलिए हमने टोटल डिस्टेंस कितना उस एलिवेटर को ट्रैवल करना पड़ेगा, 360 मीटर। अब जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो इस रेट से करती, जो एलिवेटर है, किस रेट से, 6 मीटर पर मिनट। एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो, 6 मीटर। हमने यहां पर क्या किया, अब हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, रेट ऑफ डिसेंडिंग ऑफ एलिवेटर 6 मीटर पर मिनट। इसका मतलब टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू ट्रेवल -6 मीटर, माइनस लगाया हमने, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए हमने माइनस साइन का यूज किया। तो कितना टाइम लिया उसने, 1 मिनट। फिर टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू ट्रेवल -1 मीटर, ठीक कितना आया हमारे पास, हम इसको डिवाइड करा देंगे तो ये इतना आ गया 1/-6, और टोटल डिस्टेंस क्या था, -360। इसको ट्रैवल कराने के लिए मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस से हमारा माइनस कैंसिल आउट हो गया, 6 से 360 कैंसिल आउट हो गए, टोटल क्या आ गया, 60 मिनट। और हमें पता है 60 मिनट्स को हो क्या बोलते हैं, 1 आवर बोलते हैं। तो बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और सिंपल है, सिर्फ एक बात ध्यान रखना, प्लस अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है, अगर बच्चों ये ग्राउंड लेवल है तो इससे ऊपर जितना भी डिस्टेंस आएगा वो हम प्लस में देंगे और इससे नीचे जितना भी डिस्टेंस आएगा वो माइनस में देंगे। इनिशियल स्टेज पे वो 10 मीटर अबव है और फाइनल कहां पे आना है, उसको फाइनल 350 डाउनवर्ड आना है, तो डाउनवर्ड के लिए माइनस यूज करेंगे। अब इसको ऊपर से नीचे आना है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी वो, तो 10 मीटर तो ये करेगी और 350 मीटर ये करेगी, तो टोटल कितना हो गया, दोनों को एड अप करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ आई तो साइन क्या लगाएंगे, माइनस। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, हेलो,
आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू ऑफ सेवंथ क्लास। बिल्कुल आसान और सिंपल चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आप लोगों ने सिक्स क्लास में भी किया है, अभी वही थोड़ा सा अपडेट होके, थोड़ा सा अपग्रेड होके सेवंथ क्लास में आएगा और बहुत आसान चैप्टर है। इसकी 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो तीन डेफिनेशन आती है, उनको देख लेते हैं बस। सबसे पहले क्या आती है? फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जैसे हम इसको देखें, फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए होल। कोई भी एक कंप्लीट चीज है, उसका एक पार्ट निकाल दो, क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। जैसे आप लोग अभी अभी आप लोग मान लो एप्पल खाते हो, सेब खाते हो, उसके चार हिस्से करो, चार चार पार्ट किए हमने, चार पार्ट में से एक पार्ट निकाल दिया, तो टोटल कितने पार्ट थे? फोर। हमने कितने निकाल दिए? एक। तो वो क्या बन गया? वन आउट ऑफ फोर। चार में से एक हिस्सा निकाल दिया हमने, वन आउट ऑफ फोर, वो क्या है? फ्रैक्शन है। अगर हम दो पार्ट निकाल देते हैं, टू, कितने में से निकाल दिए टोटल हमने? फोर में से, तो क्या बनेगा? टू बाय फोर, टू आउट ऑफ फोर, वो क्या बन जाता है? हमारा फ्रैक्शन बन जाता है। इट मीन्स क्या हो गया? एक पार्ट ऑफ ए होल। कंप्लीट पार्ट्स में से हम कितने भी पार्ट्स निकाल सकते हैं, तो वो क्या बन जाता है? फ्रैक्शन बन जाता है बच्चों। अब उसके हमारे पास दो तीन चार पांच अलग अलग टाइप्स आएंगे, हम उनको देख लेते हैं। मेनली हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन करने से पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? देखिए, फ्रैक्शन इज दैट, फ्रैक्शन इज दैट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन क्या है? वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्ट को, और पार्ट किसका है? होल। होल मतलब कंप्लीट का एक पार्ट। ए पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यू कैन रिकॉग्नाइज ए फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे? यू कैन रिकॉग्नाइज ए फ्रैक्शन बाय द स्लैश। स्लैश मीन्स हम एक ऐसा साइन लगा देते हैं दैट इज रिटन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में हम उनको यूज करते हैं। जैसे हमने यहां लिखा है वन अपॉन टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वन स्लैश टू। तो ये क्या बनेगा हमारा? ये वन अपॉन टू बनेगा। तो इसका मतलब क्या? टोटल पार्ट हमारे दो थे, एक हमने निकाल दिया, तो क्या बन गया? वन आउट ऑफ टू इज व्हाट? इट इज फ्रैक्शन। हेयर जो हमारे पास ये ऊपर लिखा था, जिसमें फर्स्ट आया हमारे पास ऊपर, वन इज ए न्यूमरेटर एंड टू इज डिनोमिनेटर। जो भी फ्रैक्शन आएगी हमारे पास, इसमें जो ऊपर नंबर आएगा वो क्या बनेगा? न्यूमरेटर, और जो नीचे आएगा वो क्या बनेगा हमारे पास? डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये बड़े ध्यान से लिखना है। अगर यहां पर हम ऐसे लिखते हैं थ्री अपॉन सेवन, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं थ्री स्लैश सेवन, तो ये थ्री क्या बनेगा? थ्री बनेगा न्यूमरेटर, और सेवन क्या आएगा? सेवन आएगा डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये होते हैं हमारे फ्रैक्शन, ए पार्ट ऑफ ए होल। फिर आपके हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन तो वो है ही, अब उसको क्या बताना है? प्रॉपर। उसे प्रॉपर कब बोल देंगे? जब उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज्यादा होगा किससे? न्यूमरेटर से, या इसका न्यूमरेटर लेस होगा किससे? डिनोमिनेटर से, उसको बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसका उल्टा आता है, उल्टा मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होता है इसके डिनोमिनेटर से, क्या बन जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों यही है बस, प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैसा होता है? लेस देन, किससे? डिनोमिनेटर से। जैसे देखिए 1/2, 1/3, ये सारे हैं हमारे पास। यहां पे न्यूमरेटर क्या है? 1 और डिनोमिनेटर 2, तो न्यूमरेटर लेस है। यहां पे भी हर जगह प्लस है, तो क्या बन जाती है? वो प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका उल्टा करते हैं मतलब डिनोमिनेटर को ज्यादा कर देते हैं, नहीं, किसको ज्यादा करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को ज्यादा करना पड़ेगा, तब क्या बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब की बार कौन ज्यादा है? न्यूमरेटर ज्यादा है। इससे पहले कौन था? डिनोमिनेटर था। जैसे 3/2, 7/3, 11/5, हियर न्यूमरेटर इज 3 व्हिच इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर व्हिच इज 2। सिमिलरली लाइक दिस। फिर बच्चों थर्ड आती है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? जिसके नाम में ही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिली जुली फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में एक तो होल पार्ट होगा, होल नंबर होगा हमारे पास। सेकेंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्या? एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एज वेल एज ए होल नंबर। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, उनका मिक्सचर होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखें फॉर्मल डेफिनेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल, होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2:1/3,
टू हमारा क्या है यहाँ पे होल नंबर, एन वन अपॉन थ्री क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर कम है। सिमिलर सेवन इज टू वन बाय फोर, सेवन क्या है होल नंबर और वन अपॉन फोर क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, सिमिलर दिस एंड दिस। बच्चों ये बिल्कुल तीन चार डेफिनेशन की हमने, जस्ट इनके बेस पर 2.1 एक्सरसाइज हमारी होगी। इनमें हम क्या करेंगे, दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड कराएंगे और कुछ भी नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड सब करेंगे हम किसके बेस पे, सिर्फ और सिर्फ इन फ्रैक्शंस का हम करेंगे। और सिर्फ एक चीज चेक करेंगे, उनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे, उसके बाद हम सब कुछ कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन। तो बच्चे इसको कॉपी करें, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब आता है हमारे पास 2.1 क्वेश्चन नंबर, जैसा भी आपको बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है, किन की फ्रैक्शन की ध्यान में क्या रखना है, उनका डिनोमिनेटर सेम हो। देखते हैं फ्रैक्शन क्या है, सोल्व दीज, जो नीचे लिखे हैं सेवन पार्ट है सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टू माइनस थ्री बाय फाइव, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, उनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे। टू में क्या है डिनोमिनेटर, कोई भी नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन वन। तो बच्चों यहां डिनोमिनेटर वन है, यहां फाइव, तो क्या करें, इक्वल बनाएंगे। इक्वल कब बनाते हैं, जब अलग अलग होते हैं, और इक्वल कैसे बनाते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम, और एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का लेते हैं। तो यहां पर क्या क्या है डिनोमिनेटर, वन और फाइव, एलसीएम में बन जाएगा, तो क्या आएगा एलसीएम हमारे पास फाइव ही आ जाएगा। क्या आ गया यहां से एलसीएम, फाइव आ गया, तो एलसीएम ले लो बच्चों फाइव आ गया। अब क्या करें, इसको फाइव को वन से डिवाइड करते हैं, फाइव आएगा, उसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइव टू जा टेन माइनस, यहां फाइव को फाइव से डिवाइड कराएंगे, फाइव मतलब एलसीएम और ये मतलब डिनोमिनेटर, को डिवाइड कराएंगे वन आएगा, वन को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आ गया हमारे पास। अब टेन माइनस थ्री, नीचे जो लिखा था वो तो एच टी आएगा, टेन माइनस थ्री सेवन, तो बच्चों ये आ गया आंसर, बस दो स्टेप में आंसर। सेकंड देखें, यहां पे फोर प्लस सेवन अपॉन एट, इसमें क्या है इसका डिनोमिनेटर वन, क्योंकि कुछ नहीं था तो वन लगा सकते हैं। अब यहां वन है और यहां एट है, अलग अलग है बच्चों, इक्वल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम किन का लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो वन और एट का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, तो एलसीएम तो क्या आ जाएगा इसका एट ही आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा एट। अब ये ले लिया बच्चों हमने, एट आ गया, अब डिनोमिनेटर को सॉरी अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एट को वन से एट, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, एट फोर जा थर्टी, फिर इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे वन, और वन को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे सेवन, तो बच्चों ये आ गए, इनको ऐड करते हैं क्या बनता है थर्टी नाइन अपॉन एट, ये आ गया और यहां पर आ गया। फिर बच्चों थर्ड बार देखते हैं, थ्री अपॉन फाइव प्लस टू अपॉन सेवन, ये भी हमारे अलग अलग है, एलसीएम ले लेंगे इनका, क्या आएगा हमारे पास एलसीएम फाइव और सेवन, पहले फाइव पे कैंसिल आउट हो जाएगी और फिर सेवन पे हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा बच्चों फाइव इंटू सेवन, इट मीन्स थर्टी फाइव, एलसीएम क्या आ गया थर्टी फाइव। अब इस एलसीएम को फाइव से डिवाइड करेंगे, सेवन आएगा, सेवन को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, फिर इसको सेवन से डिवाइड कराएंगे, फाइव आएगा, फाइव को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे टेन, तो कितना बन जाता है बच्चों ये थर्टी वन अपॉन 35। ऐसे ऐसे बच्चों देखो हमें करनी है। अब ये फोर्थ पार्ट है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आपको खुद करना है। फिर देखें यहां पे फिफ्थ पार्ट में क्या, यहां हमने दो दो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे तीन को करना है, तीन को करना है, तो यहां हम एलसीएम दो का ले लेते हैं, यहां तीन का ले लेते, कोई बात नहीं है, टेन फाइव और टू का एलसीएम निकालते हैं, पहले क्या आएगा टू पे डिवाइड हो जाता है, फिर फाइव पे हो जाता है, एलसीएम टू फाइव से टेन, तो बच्चों एलसीएम क्या आ गया टू इंटू फाइव, इट मीन्स टेन, तो यहां क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा, टेन को टेन से डिवाइड कराएंगे वन, और उस वन को सेवन से मल्टीप्लाई कराएंगे सेवन, टेन को फाइव से डिवाइड कराएंगे टू, और टू को टू से मल्टीप्लाई कराएंगे फोर, टेन को टू से डिवाइड कराएंगे फाइव, फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे फिफ्टीन। अब बच्चों इनको एडअप कर दो,
फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, सिक्स वन कैरी फॉरवर्ड वन और वन टू, तो ये आगे बच्चे हमारे पास। इसी तरह से दो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जैसे ही चेंज करेंगे उसके बाद ऐड अप कर देंगे। तो देखें क्या आएगा हमारे पास, जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो तो एलटी ही आएगा, यहां थ्री है यहां टू है एलटी जाएगा। अब थ्री की मल्टीप्लाई कराएंगे टू के साथ और जो यहां लिखा होगा ऊपर उसको ऐड करते हैं। थ्री टू जा सिक्स प्लस टू एट, टू थ्री जा सिक्स प्लस वन सेवन। अब बच्चों यहां अब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, ऐड कर सकते हैं करो। तो एलसीएम लेंगे टू और थ्री का एलसीएम लेंगे बच्चों क्या आएगा, सिक्स आ जाएगा। आप लोग लेके देख लेना, निकाल के देख लेना। सिक्स को थ्री से डिवाइड कराएंगे टू, टू को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे सिक्सटीन, फिर सिक्स को टू से डिवाइड कराएंगे थ्री, थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई कराएंगे ट्वेंटी वन, क्या आता है ट्वेंटी वन। अब इनको ऐड करो बच्चों, यहां सिक्स वन प्लस सिक्स सेवन, टू प्लस वन थ्री, तो बच्चों ये आ जाता है थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स। ऐसे ही इसको करना, इसको करते हैं, इसको बच्चों क्या आएगा टू आएगा और यहां क्या आएगा एट, क्योंकि डिनोमिनेटर को वही रखते हैं। अब न्यूमिनेटर के लिए टू एट जा सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर प्लस फाइव ट्वेंटी नाइन, ये आ जाता है एलसीएम बच्चों। आप लोग खुद निकाल लेना क्या आएगा, एट आ जाएगा। एट को टू से डिवाइड कराएंगे फोर, फोर को सेवनटीन से मल्टीप्लाई कराएंगे ये बन जाएगा सिक्सटीन, एट, एट को एट से डिवाइड कराएंगे वन, वन को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो बच्चों, ये आ गया हमारे पास एट माइनस नाइन, नहीं होता कैरी, एटीन माइनस नाइन नाइन, फाइव माइनस टू इज थ्री, तो बच्चों ये आंसर रखते हैं। अब जाओ यहां पे हमने ये लिखी, ये हमारे कैसी फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी कैसी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो हम उसको प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, अगर सॉरी अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। क्या आएगा फाइव बन जाए, यहां से फाइव से डिवाइड कराता हूं क्या आएगा फाइव बन जाए फाइव, तो अब जो नीचे लिखा था फाइव ये तो आएगा ही आएगा। अब हमारे पास ये दो चीज बची, जो रिमाइंडर आता है वो तो ऊपर लिख देते हैं और जो कोशेंट आता है वो यहां लिख देते हैं, डिनोमिनेटर वही रहता है, कोशेंट को सामने लिख देते हैं, रिमाइंडर को यहां लिख देते हैं। ऐसे ही इसको कर दो, डिवाइड कराया हमने क्या आ गया एट फोर जा थर्टी टू, ये बच गया। तो बच्चों डिनोमिनेटर तो वही है, रिमाइंडर क्या आ गया सेवन, सेवन यहां आ जाएगा और कोशेंट कहां आएगा, कोशेंट सामने आ जाएगा, तो ये बन जाते हैं हमारे पास। ऐसे ही आप इसको करना, तो ये क्या बनेगा हमारे पास टू इज टू सिक्स अपॉन टेन, आप लोग सॉल्व करना बच्चे से। ऐसे ही यहां बनेगा हमारे पास डिनोमिनेटर वही रहेगा, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स वन आएगा हमारे पास। ऐसे ही यहां ये हमारा दुख वही आ गया थर्टी नाइन अपॉन एट, थर्टी नाइन अपॉन एट सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जो ऊपर आया था फोर इज टू सेवन अपॉन एट। तो बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट सम, नोटबुक में कर लेना आपकी।